कक्षा 10 का पाठ जिसका नाम है मनुष्यता, जिसको लिखा है हमारी मैथिली शरण गुप्त जी ने, उसका उसकी एक पंक्ति का भावार्थ आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ। वो कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर मानवता के बारे में बात कर रहे हैं और यह ये बताती है कि आप मानव हैं, आप जानवरों से भिन्न हैं। वो कहते हैं विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। जो सच्चा मनुष्य है वो मृत्यु से कभी भी नहीं डरता। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरना एक दिन सभी को है, किंतु ऐसे मरो कि आपके मरने के बाद सब लोग आपको याद करें। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो प्रथा जिए प्रथा मरे। वो कहते हैं सुमृत्यु मतलब एक अच्छी मृत्यु जब तक नहीं हुई, मरने के बाद लोगों ने आपको याद नहीं किया, जैसे आज हम मैथिली शरण गुप्त जी को याद कर रहे हैं, तो आपका जीना और मरना प्रथा है मतलब बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही मरता है जो आपके लिए मतलब दूसरों के लिए नहीं जीता। हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, तो स्वार्थी ना बनकर आपको दूसरों के लिए जीना है, कोई ऐसा काम करना है जो दूसरे व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। ये पशुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो केवल खुद खुद चलते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। धन्यवाद।